ये रिश्ता क्या कहलाता है। हल्दी की तैयारी है दादी, नक्श और कीर्ति की हल्दी यही होगी हवा में। अब मुहूर्त ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना कि जगह। बिल्कुल, यहाँ होगा तो हम भी शामिल हो पाएंगे ना मैम। क्यों नहीं, क्यों नहीं? ये आइडिया नायरा का था दादी। थैंक यू सो मच नायरा। इस शादी में जितनी भी गड़बड़ हुई है, तुमने किसी ना किसी तरह सब संभाल लिए अपने बैकअप आइडियाज के साथ। दादी, क्या दादी, आप भी ना इतने खुशी के मौके पे आंसू बहा रही हैं, ये आंसू पिताई के लिए संभाल के रखिए। हम नहीं बहाएंगे आंसू। मुहूर्त शुरू होने में हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है ना दादी? हाँ, तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। चलिए चलिए चलो। देर में आप दोनों की हल्दी होने जा रही है और तब से लेके शादी तक आप दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे, पता है ना आपको? पता है तो फिर कुछ प्लान क्यों नहीं किया? How can you guys miss this chance? ये चांस दोबारा नहीं आएगा, इसके बाद तो शादी हो ही जाएगी। तो तो याद है ना जब हमारी शादी हो रही थी और हमसे कहा गया था कि हल्दी के बाद हम एक दूसरे से नहीं मिल सकते, तो मैंने तो सोच लिया था कि बात की कमी भी अभी पूरी कर लूंगा। अब समझे तुम लोग या नहीं? हमने एरोसे से परमिशन ले ली है, तो मिल लीजिए, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट गाइस। हम वैसे पुरे साहब याद है ना तुम्हें जो बाकी है? कौन सा ऐसा? अरे वही स्विट्जरलैंड से वापसी की फ्लाइट वाला। तुम कुछ ज्यादा ही नहीं उड़ रहे? अब सेम फ्लाइट में होकर अलग अलग कैसे उड़ सकते हैं? ज्यादा स्मार्ट मत बन, वरना बिना पैराशूट के ना नीचे फेंक दूंगी। फेंकना क्यों, साथ चलते हैं ना, बहुत मजा आएगा। ना जमीन ना आसमान, बस बीच में रोमांस ही रोमांस। तुम्हें कुछ और नहीं सोचता क्या? तो तुम बताओ क्या करूं, और इस भरी जवानी में बीवी के साथ लूडो खेलूं या फिर स्टोरी बुक पढूं? एक बात सुन लो, प्लेन को लैंड होने नहीं दूंगा अगर मेरा हिसाब बाकी रह गया तो। बढ़िया। अरे हो गई तैयारी थारे लोगों की के? हाँ जी भाई साहब, तैयारी तो हो गई है, बस कुलदेवी नहीं है यहाँ पर। ऐसा क्यों कह रही है राशि बहन, है तो कुलदेवी। एक मिनट, ये देखिए ना चांदी का सिक्का, इस पे है ना कुलदेवी की छवि। वो पिछली बार हम गए थे ना कुलदेवी के मंदिर, तब लिया था, तब से हमेशा ये मेरे साथ रहता है। ये लीजिए। ये तो बहुत बढ़िया हुआ, अब उनका प्रतीक मान के इसी की पूजा करेंगे। अजी वो कहते हैं ना
शिष्य अगर तैयार हो तो गुरु मिल ही जाते हैं, उसी तरह अगर भक्त तैयार हो तो प्रभु प्राप्त हो ही जाते हैं। बोलो हमारी कुलदेवी मैया की जय। मौसम अब ठीक है, आप रस्म को शुरू कर सकते हैं। सीट बेल्ट बांधने का संकेत हालांकि हटा लिया गया है, पर फिर भी आप सबसे विनती है कि संभल के बैठे या खड़े। चलिए अब जल्दी से बीच में पर्दा कर देते हैं। एक मिनट, मुझे कुछ याद आया। अभी नहीं नायरा, अभी सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। मुझे एक ही चाहिए दादी। कार्तिक प्लीज हेल्प नाउ। ओके। सगाई वाले दिन रिंग्स एक्सचेंज करना रह गया था, तो कार्तिक ने आइडिया दिया था कि हल्दी के दिन कर देंगे। मतलब अब हवाई हल्दी के साथ हवाई सगाई भी। क्या बात है। जहाज का फर्श गंदा हो जाएगा इसलिए, नहीं तो फूली फूल बरसाते हम इस अनमोल घड़ी पे। भाभी माँ आप ऐसा समझ लीजिए ना कि देवी देवता अदृश्य फूलों की वर्षा कर रहे हैं। बिल्कुल। पता करें या? हाँ बोलो बोलो, कहो तो रुक जाते हैं। एकदम सही राम मिला है जोड़ी है, दोनों बिल्कुल सेम है, शर्माने घबराने वाले। अब चली चली, लड़के वाले और लड़की वाले अपनी अपनी तरफ हो जाए। हाँ, चलो चलो आप। अरे चलो चलो, लड़की वाले लड़की कहाँ है। अब से कुछ ही देर में इस विमान में वो होने जा रहा है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। हमारे दो पैसेंजर मिस कीर्ति गोइंगा एंड मिस्टर नक्श सिंघानिया, जिनकी आज शादी है, उनकी हल्दी की रस्म इस विमान में पूरी की जाएगी। हमारे एयरलाइंस की तरफ से उन दोनों को ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। पहले मैं बहन का फर्ज निभाऊंगी और फिर भाभी का। और वैसे भी पहले नक्श की हल्दी उतरेगी, तभी तो कीर्ति को लगेगी ना। खड़े
क्या के